गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 190 सीटर बोइंग विमान के संचालन का शुभारंभ। प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता रहेंगे मौजूद। प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा गोरखपुर के राप्ती नदी में बनेगा वाटर एयरपोर्ट। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट के सभी अनुभाग का किया निरीक्षण। सिटी मजिस्ट्रेट वाद लिपिक व पेशकार के कार्यों की सराहना। निजीकरण के विरोध में चौथे दिन 6 संगठनों ने किया विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का समर्थन। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा किसी भी बिजली कर्मचारी को न ही हटाया जाएगा और न ही निकाला जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। दवा विक्रेता संघ में हुआ मतभेद, दो गुटों में बटे दवा व्यवसायी। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए चलाई जाने वाली दस्तक योजना के लिए मंडलायुक्त ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, योजनाओं को सफल बनाने के लिए दिए निर्देश। ग्रामीण आर्थिक विभाग में सहकारिता भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। रेलवे स्टेशन से सेल टैक्स द्वारा पकड़े गए माल को छुड़ाने के लिए व्यापारियों ने किया डीएम से मुलाकात। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत एआरटीओ द्वारा लगाया गया प्रशिक्षण शिविर। 6 विद्यालयों में चल रहे उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जुबली इंटर कॉलेज में भी बदस्तूर जारी रहा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए 2 दिनों तक चलने वाले मतदान की प्रक्रिया संपन्न। 298 सदस्यों के भाग मतपेटी में बंद। रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिरों में महिलाओं ने गाए गीत। मंडलायुक्त अनिल कुमार तथा जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने जनपदवासियों को रामनवमी पर बधाई दी और किया सुख शांति एवं समृद्धि की कामना। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में पूर्वोत्तर रेलवे और यूको बैंक सहारनपुर के बीच खेला गया मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य एकेडमी ने संस्कृति क्रिकेट एकेडमी को 86 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। ये खबर गोरखपुर के लिए गौरव के लिए बहुत ही बड़ी बात है। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लगभग 10 बजे गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 190 सीटर बोइंग विमान के संचालन का शुभारंभ 12:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर करेंगे। गोरखपुर एयरपोर्ट से स्पाइस जेट एयरलाइंस के बोइंग 737-800 के संचालन कार्यक्रम में प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी सम्मिलित होने के उपरांत 1 बजे वाराणसी में चले जाएंगे। प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने कुशलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा किया है, जिसमें सरकार ने विकास के पथ पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश में जंगल राज गुंडा राज समाप्त हुआ है। सरकारी जमीनों और मकानों को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के साथ साथ किसानों का ऋण भी माफ हुआ है। गोरखपुर जिले में 195 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है, जो काफी प्रगति पे है।
प्रदेश सरकार ने कत्लखानों को बंद करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो का भी गठन किया है। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के शासन में जिसमें जंगल राज और गुंडा राज कायम था, उसमें जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन जनता ने खुद ही परिवर्तन किया। प्रदेश में अपराधी जेल जाने लगे और जो अपराधी जेल में बंद हैं वो बाहर आने से डर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही गोरखपुर के राप्ती नदी में वाटर एयरपोर्ट बनेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार से संस्तुति मिल चुकी है। प्रभारी मंत्री ने बताया, योगी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। एक साल कई साल के साथ आज 75 जिलों में जनपद के प्रभारी मंत्री सरकार के द्वारा एक साल में कराए गए कार्यों का उल्लेख मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। योगी सरकार को बने एक वर्ष बीती, सरकार ने शपथ ली कि 19 मार्च 2017 योगी मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इससे पहले 15 वर्ष पूर्व सपा और बसपा का शासन काल, इसमें जनता त्राहि त्राहि कर रही थी और सच कहा जाए तो कानून समाप्त हो गया था, अपराध हावी हो गया था, जनता परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन हुआ। महंत योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले चिंता की गई प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की सर्वाधिक संख्या है। ये संख्या प्रभावित थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप जो चुनाव हुए थे, तो कहा था कि पहली ही कैबिनेट में भाजपा की सरकार बनेगी तो किसानों का 1 लाख रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों का 1 लाख का कर्जा माफ किया। दूसरा कानून समाप्त था, इसके लिए भय दूर हो, माताएं बहने बेटियां निकलती नहीं थी, तो एंटी रोमियो टास्क फोर्स का गठन किया। फिर यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाया। सपा की सरकार में सरकारी जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर माफियाओं ने अवैध कब्जे कर लिए थे, उनको हटवा
बनाने का काम किया गया। और VIP कल्चर समाप्त किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ VIP जिलों को ही बिजली दी जाती थी, उसे समाप्त कर दिया गया। और VIP कल्चर यानी जो लाल बत्ती इत्यादि भी हटाकर सामान्य श्रेणी में सरकार के मंत्री चलने लगे। तीन, नंबर एक सुरक्षा और नंबर दो विकास। पिछली सरकारों में कानून नाम की चीज खत्म हो गई थी। योगी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून को ठीक रखने के लिए कड़ाई की। अपराधी इतना कड़ाई किए हैं उत्तर प्रदेश में, अपराधी जमानत तोड़वाकर जेल के अंदर जाने लगे और जिन्होंने जमानत ले ली है वो बाहर नहीं आ रहे। पहले जनता भय खाती थी, अब अपराधी भय खाने लगा है। इतना कानून में सुधार हो गया है। कानून व्यवस्था संभालने के लिए योगी सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसी का कारण है 21-22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुआ और इन्वेस्टर समिट सफल हुआ। दुनिया के उद्यमी उत्तर प्रदेश में आए, ₹4.65 लाख करोड़ रुपए के MOU पर साइन हुए, हस्ताक्षर हुए निवेश पर। और देश में उद्यमी तभी आता है जब वो तीन बातें देख लेता है। नंबर एक सेफ्टी, नंबर दो कनेक्टिविटी और नंबर तीन इलेक्ट्रिसिटी। यानी कानून व्यवस्था सही है, उद्यमी ये समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ तो उत्तर प्रदेश में आएगा, वो भय नहीं है उसका, कहीं अपहरण नहीं होगा, उसकी पूंजी लगी वो ठीक रहेगी, वो अपना व्यापार ठीक से कर लेगा। तो कम ही समय में योगी जी के नेतृत्व में सरकार का संदेश गया और योगी जी का आम आदमी केंद्रित बजट प्रस्तुत करना, योगी राज्य अब दिखाई देने लगा जनता में। सुरक्षा का वातावरण बना, उद्यमी इसलिए आए। दूसरा कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी तीन होती है, रोड की कनेक्टिविटी, दूसरी रेल की कनेक्टिविटी तीसरी एयर, यानी रोडवेज रेलवेज एयरवेज। तीनों कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की सही है, सड़कें ठीक हो गई। और आपको आज अप्रत्याशित लगेगा, कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी राप्ती नदी में रिवर एयरपोर्ट बनेगा। क्योंकि माननीय गडकरी जी
जमीन पर एयरपोर्ट बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है और नदी में एयरपोर्ट बनाने में उतना पैसा नहीं लगता, तो कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जैसे अयोध्या है, लखनऊ में गोमती में है और बनारस में गंगा में है। तो ये इन नदियों में रिवर एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। रेल की कनेक्टिविटी ठीक है, एयर की भी कनेक्टिविटी ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पहले बिजली आती नहीं थी, कुछ ही जिलों को बिजली दी जाती थी, अब बिजली गांव को 18 घंटे और शहरों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इस एक वर्ष में गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हुआ है। पिपराज में चीनी मिल, एम्स और भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सभी पहलुओं में मैंने कहा कि गोरखपुर का सर्वांगीण विकास हुआ। फर्टिलाइजर ये हमने दे दिया है आपको, इसमें पढ़ लें। 27,000 करोड़ रुपए गन्ने मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने किया किसानों को। सीधे यहां बैठे हैं अभी भी जिलाधिकारी से, गेहूं खरीद केंद्र करने के लिए, किसानों के गेहूं क्रय केंद्र सुविधा अनुसार खोलने के लिए अभी निर्देशित किया गया है। डीएम ने गोरखपुर ने ये भी कहा है कि हम किसान के गांव तक में जाके खरीदेंगे। इस बार किसान का गेहूं का रेट बहुत अच्छा है, 1735 रुपए प्रति क्विंटल, 10 रुपए प्रदेश सरकार किसान को ढुलाई का भी देगी प्रति क्विंटल, यानी 1745 रुपया हो गया, उससे भी डाउन होगा। आज भी जिलाधिकारी गोरखपुर को मैंने कहा है कि हमारी सरकार की जो इच्छा है उस अनुसार बोर्ड में जो रेट वगैरह महंगा नहीं होना चाहिए। डीएम ने भरोसा दिलाया है कि हम पूरी तरीके से कोशिश करके इकट्ठे करके उपभोक्ताओं को, जो किसानों को बालू रेट इत्यादि की जरूरत पड़ती है, वो सस्ता मिलेगा। दूसरा, मिट्टी पर रॉयल्टी समाप्त कर दी जो सपा बसपा ने लगाई थी। कोई भी किसान 10 ट्राली मिट्टी कहीं से ला सकता है, उन्हें ना उसे कहीं से अब अनुमति लेने की जरूरत है, पुलिस ना चेक करेगी ना रोकेगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है। योगी सरकार ने शिक्षा, पहले बच्चों का बेस ठीक नहीं था, उसमें सुधार कर दिया गया, स्वेटर, अच्छी वेशभूषा, अब प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर दिया जाएगा, दवाई का इंतजाम, शिक्षा का इंतजाम, सिंचाई में भी विशेष योजनाएं लागू की जा रही। गंगा, घाघरा, सरयू, गंडक, राप्ती इत्यादि नदियों में बाढ़ सुरक्षा और घाट निर्माण, तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के काम प्रारंभ कर दिए गए। सिंचाई की 4 राष्ट्रीय परियोजनाएं जो बरसों से लंबित थी,
मध्य गंगा नहर परियोजना ये पिछली सरकार ने बंद कर दिया था इसको, ये पश्चिम में इसको राशि जारी कर दी गई। सरयू नहर परियोजना ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, पूर्वांचल के ये 9 जिले जिसमें गोरखपुर, बस्ती, आपका देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सारे जिले इसमें आते हैं, 9 जिले। अब आपको बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा सरयू नहर परियोजना पूरी होने से। ज़्यादा पानी कम नदियों में पानी वाले में मिलाकर, जो ज़्यादा पानी है कम नदियों में डालकर, इससे जो बाढ़ विनाशकारी होती थी वो बाढ़ अब लाभकारी होगी, किसान के खेतों की सिंचाई का काम करेगी, इसका हम प्रबंध भी करा रहे हैं और बाढ़ की परियोजनाओं को अप्रैल तक हम पूरी करने का लक्ष्य है, मई से आगे नहीं जाना। विभाग को निर्देशित किया है कि अप्रैल में पूरा कर लें और हमारी उपलब्धि भी है गोरखपुर की विशेष, और इसको हम बहुत जल्दी चाहते हैं। सितंबर 2018 में ओपीडी का लाभ यहाँ की जनता को मिलने लगेगा, पूरा प्रयास रहेगा कि गोरखपुर की जनता को पूरा लाभ मिले। और आप सवाल तो कर रहे हैं गोरखपुर की जनता से, मेरा भी सवाल है, इतना विकास करने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं किया, पीड़ा है। अब आप लेकिन मन की पीड़ा है, इतना आप दुनिया इतना विकास कर दिया एक साल में जो 50 साल में नहीं होता। ये चुनाव विकास के नाम पे हमने लड़ा, इसके बाद भी रिस्पांस नहीं मिला तो मैं आपकी बात 14 वर्ष से 15 वर्षों से जिनकी हालतें खराब हो चुकी हैं उनको सुधारने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब एक साल से सब समझ लिया है, अधिकारी भी अपने ठिकाने पर आ रहे हैं कि भाई अब ज़्यादा गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, अब सारा समझ लिया है, अब पूरी तरीके से टाइट होकर काम किया जाएगा, सरकार सरकार की तरह चलेगी, अनुशासन अनुशासन की तरह रहेगा। अनुशासनहीन कार्य अधिकारी चाहे कर्मचारी कोई भी हो उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने निर्देश दिया है कि कलेक्ट्रेट के सभी अनुभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, समय समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। कलेक्ट्रेट के निरीक्षण में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, वाद लिपिक हरिनारायण पांडे तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन को पेशकार को सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देने का निर्देश दिया। साथ ही सीआरओ बलराम सिंह और AIG स्टैम्प रामाशंकर को अपने कार्य में सुधार लाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के समस्त पत्रावली RCMS में दर्ज कराएं। आयुक्त ने अंग्रेजी दफ्तर जाकर विभिन्न पटलों का कार्य का निरीक्षण किया, जिसमें शस्त्र अनुभाग, संदर्भ निस्तारण, वसूली रजिस्टर, मांग पत्र, वाद निस्तारण आदि प्रमुख हैं। उन्होंने नजरात का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त AK सिंह, जिलाधिकारी KVJN पांडियन, ADM प्रशासन प्रभुनाथ, ADM सिटी रजनीश चंद्र, विधान जायसवाल, CRO बलराम सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल भी मौजूद रहे। और आपकी एशिया सब पूरी है तो रजिस्टर सब कर दिया।
हिसाब से समय से करा तो रेफरेंसेस रजिस्टर है आपका संदर्भ पढ़ने का जी। तो जो लास्ट ईयर जो चीज़ें बताई तो उसको चेक किया गया तो उसमें तो काफ़ी सुधार आया है, कुछ और उसमें काम करने की आवश्यकता है। एक तो जो हमारे कोर्ट के जो सिस्टम है तो कंप्यूटराइज सिस्टम ऑनरेबल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लागू कर दिया पिछले दो तीन सालों से, इनफैक्ट चार पाँच सालों से चल रहा है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इस ज़िले में और ज़िलों के मुकाबले बेहतर है। पर अभी इसमें और कुछ कोर्ट्स में भी उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो मैंने कहा है इनको इससे बात करो, ऑर्डर शीट निकालनी है, कॉज लिस्ट भी कंप्यूटराइज निकालनी है। दूसरा जो आरसी है हमारी वो सब कंप्यूटराइज हो गई है लेकिन उसमें कुछ बड़ी आरसी जो उस पर वसूली की आवश्यकता है तो वो मैंने बताया है इनको। तीसरा जो हमारे दाखिल दफ्तरी है उसमें एक सिस्टम है कि जब भी कोई फाइल का कंप्लायंस हो जाए तभी दाखिल दफ्तर में, तो वो मैंने बताया है उसमें कुछ अभी काम करने की जरूरत है, काफ़ी उसमें फाइलों में अभी कंप्लायंस पूरा नहीं है, वो मैंने कहा। बाकी तो लगभग सब ठीक है। शनिवार को कार्यालय मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मोहद्दीपुर में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष इस्माइल खान की अध्यक्षता में चौथे दिन छह अन्य संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। छह अन्य संगठन भारतीय किसान यूनियन, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासंघ, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य महिला प्रकोष्ठ और पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने किया। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का समर्थन, विद्युत के निजीकरण का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। न्यूज से बात करते हुए सचिव विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के ब्रिजेश त्रिपाठी और सदस्य रबेका मसीहा और विनीता सिंह ने कहा, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को और इसी तरह रहेगा तो हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और अपनी निजीकरण को जो है इनको वापस लेना पड़ेगा सरकार को। सरकार निजीकरण वापस नहीं लेती है तो हम मजबूर हो जाएंगे इनको फैसला बदलने के लिए कि आपको निजीकरण वापस लेना ही होगा, लेना पड़ेगा। एक ही मांग है, जो भी निजीकरण किया जा रहा है जनता को गुमराह करके शासन ये कर रही है, सरकार जो भी है सरकार ये कर रही है कि घाटे पे जा रही है और इसको हम घाटे से उबारने के लिए जनता को बेहतर बिजली देने के लिए निजीकरण करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो भी 24 घंटे देने की घोषणा थी वो दिया जा रहा है, 18 घंटा रूरल में देने की घोषणा थी वो दिया जा रहा है,
आपने सरकार बनाया एक साल हो गया, आपने जो भी हमारा विभाग में आपने टारगेट दिया मैं पूरा कर रहा हूँ, चाहे रेन्यू का मामला हो चाहे विद्युत व्यवस्था सुधारने का मामला हो, हम लोग नियंत्रण कम संसाधन में सभी कर्मचारी और अधिकारीगण मिलकर इस योजना को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप किस तरह का निजीकरण और बिजली व्यवस्था सुधारना कर चाहते हैं? अभी कौन कौन सी संगठन आपके समर्थन में? संगठन अभी एक शिक्षक संघ आ गई है, माध्यमिक शिक्षक संघ हम समर्थन दिया हुआ है, फिर रेलवे के कुछ संगठन ने हमको समर्थन दिया है, फिर से अपन डिप्लोमा इंजीनियरिंग महासंघ आज समर्थन हमको देने के लिए तैयार है, आएंगी प्रणाम पर समर्थन देंगे, फिर किसान यूनियन हमको समर्थन दिया हुआ है, माध्यमिक वित्तीय विहीन शिक्षक महासंघ भी समर्थन दिया हुआ है, और सभी संगठनों से वार्ता चल रही है, वो कहे कि हम आपके आंदोलन में सहभागिता रहेंगे और जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। क्या लगता है कितने दिन तो कभी चलेगा आप लोग? देखिए हमारा धरना देने और आंदोलन करने का बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि हमारे विभाग का बहुत नुकसान हो रहा है, और आज मार्च के महीने में जहां रेवेन्यू दुगुना आती है, एक टारगेट दी जाती है हर मार्च के महीने में क्लोजिंग की जाती है, बताएं सरकार किस अनुमति से किस इच्छा शक्ति से इस मार्च के महीने में लाई, हमको शंका ये लग रहा है कि ये सरकार दिखाना चाहती है कि हम मार्च के महीने में लाए और हमारा टारगेट जो था उन्होंने कम किया, इस नाते घाटा को दिखाकर वो प्राइवेटकरण करना चाह रहा है, जो मार्च महीने में जो होता है कि हमारे पूरे साल का जो टारगेट रहता है उसको पूरा करने का पूरा समय दिया जाता है और क्लोजिंग का समय होता है, इस समय इनको इस योजना को अब लागू करना ही नहीं चाहिए था, और करना भी चाहिए तो ये बताना चाहिए कि हम प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं, अगर प्राइवेटीकरण है तो आज ही लेना है, आज क्यों हमसे काम करवा रहे हैं, हम काम करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो क्यों हमसे साल भर से 24 घंटे 18 घंटे बिजली दिलवाने का कराते, कम संसाधन में बिजली व्यवस्था हम लाएँ 18 घंटा रूरल में 24 घंटा, आप बताइए शासन की जो भी मंशा है हम पूरा कर रहे हैं, वित्त की पैसा हो रेन्यू का पैसा हो, हम शासन जो भी टारगेट हमको देती है थ्रू रेट के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, आगरा के लोग उदाहरण ले रहे हैं कि आगरा हम प्राइवेट किए तो हमको फायदा है, आगरा से 1.5 रुपया फायदा हमारा गोरखपुर दे रहा है, तो किस बेस पर आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं? वहीं कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल का संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी भी बिजली कर्मचारी को ना ही हटाया जाएगा और ना ही निकाला जाएगा। कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस संदर्भ में कहा, उन्हें इसलिए नहीं करना चाहिए, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें कहीं भी कुछ ना हटाया जाएगा ना निकाला जाएगा, सरकार अच्छा जनता के लिए जो सुविधाजनक काम हो वो करने जा रही है, हम अपने किसी भी अधिकारी कर्मचारी जो हमारा एम्प्लॉयर है उसे कोई नुकसान करने की मंशा से नहीं है, अब तो चाहेंगे कि उन्हें ये हड़ताल नहीं करनी चाहिए, विषय को समझ लेना चाहिए। शनिवार को जीडीए सभागार में गोरखपुर में मेट्रो निर्माण के कार्य की समीक्षा मंडलायुक्त गोरखपुर विकास प्राधिकरण अनिल कुमार द्वारा की गई, जिसमें मंडलायुक्त ने सर्वे करने वाले संस्था राइट्स को निर्देश दिया है कि सर्वे रिपोर्ट संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि इस सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन करके अपनी आख्या दें। गोरखपुर महानगर में मेट्रो निर्माण में तेजी लाने के लिए उन्होंने विभागीय समन्वयक पर बल दिया। उन्होंने बताया कि मेट्रो के दो रूट चिन्हित हुए हैं, जिसमें श्याम नगर से सुबह बाजार 18 किलोमीटर है, जिसमें भविष्य में कालेसर तथा बाईपास तक विस्तार किया जाएगा। दूसरा रूट गुलरिया से नौसड़ तक है, जो 14.5 किलोमीटर का है। उन्होंने बताया कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एयरफोर्स, रोडवेज, ट्रैफिक तथा रेलवे विभाग के सर्वे रिपोर्ट भेज दी जाएगी, जो इस पर अपनी आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराएंगे। पुनः बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन, उपाध्यक्ष जीडीए वैभव श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक आदित्य वर्मा और विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जो भी आपका हॉस्पिटल बनता हो हमारे पास शाम को आ जाए,
कल को पहुँच परसों आ जाए जी सर आ जाए सर हमारे पास सिर्फ रेड बुक ही है सर आप उस पर ना खाएँ कॉरिडोर वन जो आजकल अंडर एक्टिव कंसिलेशन है हमारे मेरे पास उसका 3700 असेस किया पिछले हफ्ते में डॉक्टर श्रीधरन आए थे तो उनका और कुछ कम करिए हमारे पास में उन्होंने कोची की उसके लिए हम लोग आज तक कोशिश कर रहे हैं इसमें घास के अल्टीमेटली क्या है बॉक्स रेवेन्यू का फिक्सेशन घास के करेंगे ना बहुत महंगा हो जाता है फिर वाइब्रेट नहीं बैठे कोई आएगा नहीं सर ये तो आप 50 रुपये रेसिपी बना के बहुत सेंशन करा भाई हम लोगों को किसी को बताना पड़ सकता है शनिवार को दवा विक्रेता समिति जो कि CDFUP और CIOCD से मान्यता प्राप्त वर्ष पुरानी दवा विक्रेता संघ के नाम से समिति है। समिति के कुछ पूर्व पदाधिकारी जो कि समिति के क्रियाकलापों से असंतुष्ट थे अतः दवा विक्रेता समिति से अलग होकर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के नाम से अलग संस्था बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है जिसके अध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय मंत्री दिलीप सिंह उपाध्यक्ष अशोक सिंह कोषाध्यक्ष नरसिंह पांडे संगठन मंत्री छोटेलाल गुप्ता संयुक्त मंत्री नीरज पाठक PRO अरुण बंका पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति भी किए गए हैं। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे और महामंत्री आलोक चौरसिया ने पुरानी समिति से अलग होने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि दवा व्यवसायी सभी हमारे साथ हैं और हमारा ही साथ देंगे नहीं लोगों के बारे में वो तो छपे रसीद तो ज्यादा ही छपे लोगों जो लेटर पैड की जो बनेगा वही कह रहे हैं कहा कि डिसाइड कर लीजिए आप अपना लोगो है अपने डिजाइन कर लीजिए आप अपने हिसाब से इसको मिलकर जुलता तो अपना लोगो बता दीजिए तो जरूर इनके तो नमक है उनके रखिए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर के नव निर्वाचित अध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय दोनों संस्थानों में एक ही पद पर संगठन मंत्री पर आसीन छोटेलाल गुप्ता और दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया ने कहा व्यापारियों में काफी दिनों से एक असंतोष का लहर दौड़ रहा था क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारियों ने इतना उत्पीड़न व्यापारियों का चालू कर दिया था जिसमें हमारी एसोसिएशन जो थी वो एकदम चुप रह के उनका व्यापारी अधिकारियों का साथ देने का काम कर रही थी जिससे हमारे व्यापारी काफ़ी असंतोष उत्पन्न होने लगा था इसलिए हम लोगों ने नया एसोसिएशन का गठन किया जिसमें मौजूदे पदाधिकारी जो थे वो भी हैं और हम लोगों ने व्यापारियों को उचित सम्मान मिल सके और अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न न हो इसकी पूरा कोशिश किया जा रहा है नए संगठन में संगठन मैं पुराने एसोसिएशन में था कार्य पद्धति पसंद नहीं आए इस्तीफा क्या वजह थी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा वहाँ से और आपको नया निर्माण करना पड़ा इस संगठन का व्यापारियों का साथ नहीं दिया जा रहा था जो अधिकारी पुलिस जाता था हम लोग कुछ बोलते ही नहीं थे जिनको व्यापारियों को साथ देने के लिए मैंने संस्था ज्वाइन किया तो कितना दो साल का कार्यकाल है इससे पहले भी मैं था मैं आलोक चौरसिया महामंत्री दवा विक्रेता समिति गोरखपुर किस वजह से जो है यहाँ पे जो है मतभेद पैदा हुआ और जो बिखर गया थी यहाँ पर ऐसा कोई विषय नहीं था हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव का जिसमें सभी दुकानदार भाई अपने मत प्रयोग करते हैं उसके बाद हमारे यहाँ निर्वाचन होता है
एक तहत सीमित अवधि का चुनाव है कि 3 साल के एक बार हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, उस तक चुनाव होते हैं, वोटिंग प्रक्रिया है, वोट में जो ज़्यादा वोट पाते हैं वो जीतते हैं। तो उस प्रक्रिया के तहत हम लोग जीत के आए हुए हैं। जिन लोगों ने समिति बांटने का कार्य किया है उन्हें जनता ने पहले ही किनारे का रास्ता दिखा दिया, उन्हें जवाब दे दिया, वोट काफ़ी बहुमत से हम लोगों ने जीत हासिल की है और उन्हें जनाधार बिल्कुल नहीं मिला है। लेकिन सत्ता में वो लोग काबिज रहे हैं, पहले उन्हें सत्ता में जा नहीं रहा है। और मंडी कितनी उपेक्षित है ये पूरी गोरखपुर नगर जानती है। यहाँ ना तो नाली की सारी नालियाँ बजबजा रही हैं, सारे सड़क जर्जर हैं, बिजली पोल सारे जर्जर हैं, मंडी बदहाल अवस्था में, एक यूरिनल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, एक अपना कार्यालय तक नहीं है, छोटा से कमरे तक का कार्यालय नहीं है, 4 आदमी बैठ के बैठे कर सकें। विगत 23 वर्षों से इन लोगों ने हमारे यहाँ मेंबरशिप होती है, दवा विक्रेताओं का मेंबर बनाते हैं, यूनियन अपने जोड़ते हैं, उसकी एक फीस है, उस फीस का भी आज तक कोई उन लोगों ने हिसाब नहीं दिया, पिछले किसी भी कार्यवृत्ति का कोई हिसाब नहीं दिया है। सारे पैसों को गबन खोता कर रखा है, उसके बावजूद न जाने ये सत्ता में जा नहीं रहा है और नया संगठन बनाने के पीछे न जाने उनकी क्या मंशा है। जनता हितों का कोई सरोकार नहीं है और जनता उन्हें चुनाव में पहले ही जवाब दे चुकी है। आपको क्या लगता है कि उनका बिखराव जो है कुछ नुकसान पहुंचाएगा समिति को? नहीं, हमें इससे कोई तनिक भी हमें कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचाएगा। जिन्हें जनता ने हटा दिया उनके साथ 4 आदमी नहीं हैं, स्वयंभू नेता बन बैठे हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे साथ पूरी जनता का है। आज फेसबुक और सारे सोशल मीडिया पर आप देख लें, दवा एसोसिएशन किस तरह उन पर नाराज़ है कि परिवार बांटने का कार्य उन्होंने किया है, संगठन की मजबूती को उन्होंने खंडित किया है और इसका परिणाम तो यही है कि जनता की नज़र में गिरे थे, अब और गिर गए हैं। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस के खात्मे के लिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दस्तक की समीक्षा मंडलायुक्त अनिल कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा NIC बिल्डिंग में की गई, जिसमें CDO अनु सिंह, ADM प्रशासन प्रभुनाथ, AD हेल्थ डॉक्टर पुष्कर आनंद, CMO डॉक्टर रविंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर अनिल कुमार ने मंडल के 4 जिलों के अधिकारियों के साथ दस्तक योजना के क्रियाकलापों की जानकारी दी और योजना को गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के लिए निर्देश भी दस्तक योजना के संबंध में दिए। सभी आशा, ANM, आंगनबाड़ी, शिक्षक, रोजगार सेवक सबको बुला रहे हैं। अंदर दस्तक का मतलब ये हुआ कि जो जो हमारे गांव-गांव में आशा ANM जाएंगी और दस्तक करेंगी दरवाजे पर, और ये देखें तो उनके लिए एक उन्होंने स्टिकर दे रखा है, तो यूनिसेफ ने दिया है, वो स्टिकर घर पे लगाएंगे। फिर जिस गाँव जिस घर के अंदर बच्चा बीमार मिलेगा, बुखार से पीड़ित मिलेगा, तो उसके लिए अलग स्टिकर बना रखा है, वो अलग स्टिकर वहाँ पे लगाया जाएगा। यूनिसेफ के और CMO के अधिकारी तो आपके बैठे ही हैं, इनको बुला के वो स्टिकर आप देख रहे हैं, वो छोटे बड़े मीडियम साइज के और बड़े बड़े पैम्पलेट्स भी हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, कुछ होर्डिंग भी सूचना विभाग के यहाँ से स्वास्थ्य विभाग के यहाँ से लगनी है, तो वो लग जाए। तो इस तरीके से आपको दस्तक अभियान में जो इंस्ट्रक्शंस हैं दस्तक करने का और वहाँ पे से विलेज के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया स्टिकर की एक्टिविटी है, फिर आपके ODF की एक्टिविटी है, स्वच्छता की एक्टिविटी है, जल निगम की एक्टिविटी है, वो सब हो जाए। इसको काट दिया है सब स्टिकर्स, और एक बचाव और प्रिवेंशन के 2 अलग-अलग है, तो ये सारी चीजें जो है एक 2 तारीख से पहले लग जाएंगी। इसके अलावा एक छोटा स्टिकर है, जब आशाएं घर घर जाएंगी तो वहाँ पे चिपकाएंगी, वहाँ पे अपना नाम लिखेंगी जो प्लान के हिसाब से। तो ट्रेनिंग हुई थी सर, हेल्थ स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग हुई थी सर, फील्ड वर्कर्स की ट्रेनिंग हुई, हेल्थ की ट्रेनिंग हुई और ANM की ट्रेनिंग हुई थी। जैसे अभी आपको सर निर्देश मिले टीम सबसे बात हुई थी सर, उन्होंने निर्देश दिया था कि लार्ज स्केल पे एक तहसील वाइज डॉक्टर के सारे कर्मचारी आशा ANM आंगनबाड़ी और ग्राम प्रधानों को बुला करके एक ट्रेनिंग सब चुनाव की तर्ज पे वो आयोजित की जाएगी, जिसको बात होगी सर सोमवार से शुरू करेंगे, सभी को विशेषण इसमें पूरे कर दिया जाएगा सर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए AD हेल्थ डॉक्टर पुष्कर आनंद ने बताया।
का मतलब होता है खटखटाना। दस्तक योजना के अंतर्गत हमारी आशाएं दो मंडलों में हर घर पे जाके खटखटा कर उनको बताएंगी कि बुखार में कौन सा कब AES हो सकता है, कैसे बचें और इसके लिए क्या क्या काम ऐसे करें जिससे कि परेशानियों से बचें। इसके लिए उन घरों की दीवारों पे एक स्टिकर चिपकाया जाएगा, वो इस बात का प्रमाण होगा कि यहाँ पे आशा आई है, ठीक है। और सारी गतिविधियों का उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा और इसको एक वृहद जन जागरूकता अभियान के रूप में इसको मनाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाया गया है। नोडल इसलिए बनाया गया कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, लेकिन इसमें और लोगों का भी उतना ही सहयोग है। जैसे जल से बीमारियां होती है तो जल निगम का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। गांव में सफाई है इसलिए कि पंचायती राज का भी इसमें सहयोग है। कुपोषण होता है इसलिए ICDS विभाग का सहयोग है। बच्चों को जागरूक किया जाना आवश्यक है, इसके लिए स्कूली विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी प्रकार से हमारे कृषि विभाग का रोल है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो मच्छरों को जिनसे भाग जाते हैं या उनसे मच्छर को मारा जा सकता है, उनका रोल है। सिंचाई विभाग का रोल है कि पानी वहाँ पे जमा न होने पाए, पानी बेहतर है। मछली विभाग का रोल है कि कंबोजिया मछली डाली जाए जिससे कि मच्छर पनपने पाए। तो इस तरह के सारे विभागों को ले करके चला जाएगा, जिसमें हमारे DM साहब हर जिले में वो इसका अध्यक्षता करेंगे इस अभियान की, और उपाध्यक्ष हमारे CDO और CM होंगे, और एक कमेटी होगी इसमें सारे विभाग के नोडल लोग होंगे जिनका नाम और मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार ब्लॉक में भी इसकी कमेटी बनेगी, जिसमें BDO साहब जो है उसके अध्यक्ष होंगे, SDM साहब अध्यक्ष होंगे तहसील लेवल पे, और BDO और CMO BDO और अधीक्षक उसके सह अध्यक्ष होंगे। कब से चलेगा कमेटी बनाई? कब से चलेगा अभियान? 2 तारीख से प्रारंभ होकर 16 अप्रैल तक ये प्रथम चरण है, और द्वितीय चरण 1 मई से 15 मई तक, 2 चरणों में यह प्रोग्राम चलेगा। शुभारंभ कहाँ से होगा? शुभारंभ में अभी कुछ थोड़ी सी दुविधा है, लेकिन जहाँ तक अभी जानकारी है उसमें शुभारंभ संभवतः सिद्धार्थनगर को होगा। सिद्धार्थनगर से 2 तारीख को होगा 4 नून में, और आफ्टरनून में गोरखपुर होगा, लेकिन अभी इसके बारे में कन्फर्म। उच्च शिक्षा तथा अर्थशास्त्र विभाग दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन समारोह का आयोजन MP इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर अश्वनी कुमार मिश्रा तथा डॉक्टर SN चतुर्वेदी सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ग्रामीण आर्थिक विभाग में सहकारिता की भूमिका पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहे है। आप सब के बताते हुए मुझे तो भी बराबर से स्नातकोत्तर शिक्षा विश्वविद्यालय में और पिता के रूप में एक बहुत व्यक्ति के रूप में सरकार दी है, और हम सब भूतपूर्व संकाय अध्यक्ष और विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य की है और लंबा कार्यकाल चतुर्वेदी साहब से रहा है कि गोरखपुर नगर में आपके बारे में हम मेरा सौभाग्य है कि वो शादी है जो चीज से मुलाकात न्यूज से बात करते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर SN चतुर्वेदी ने ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया। ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और सराहनीय है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सरकार की भूमिका, निजी क्षेत्र की भूमिका के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण इस कारण बन जाती है कि सरकारी क्षेत्र कुछ
जगहों पर तो अति आवश्यक है, उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन सरकारी तंत्र इतना जटिला और लाल फीताशाही से ग्रसित होता है कि मूल उद्देश्य उसमें छूट जाते हैं। और आप जानते हैं कि निजी क्षेत्र मूलतः लाभ अर्जन की भावना से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इन दोनों कमियों का निवारण करते हुए सहकारी क्षेत्र का पदार्पण किया गया, विकास प्रक्रिया से जोड़ा गया और सहकारिता का मूल मंत्र जो आजकल मोदी जी का है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें जो विकास प्रक्रिया के जुड़े हुए लोग हैं वो कार्यकर्ता भी होते हैं, स्वामी भी होते हैं और सबका सहयोग अपेक्षित होता है। लाभ में सबके समान सहभागिता होती है। लाभ मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, समाज का सामूहिक सेवा ही मुख्य लक्ष्य होता है। तो ऐसी दृष्टि से ग्रामीण विकास में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 190 सीटर बोइंग विमान के संचालन का शुभारंभ। प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता रहेंगे मौजूद। प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा गोरखपुर के राप्ती नदी में बनेगा वाटर एयरपोर्ट। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट के सभी अनुभाग का किया निरीक्षण, सिटी मजिस्ट्रेट वाद लिपिक व पेशकार के कार्यों की सराहना। निजीकरण के विरोध में चौथे दिन 6 संगठनों ने किया विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का समर्थन, प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा किसी भी बिजली कर्मचारी को न ही हटाया जाएगा और न ही निकाला जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। दवा विक्रेता संघ में हुआ मतभेद, दो गुटों में बटे दवा व्यवसायी। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए चलाई जाने वाली दस्तक योजना के लिए मंडलायुक्त ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, योजनाओं को सफल बनाने के लिए दिए निर्देश। ग्रामीण आर्थिक विभाग में सहकारिता भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। रेलवे स्टेशन से सेल टैक्स द्वारा पकड़े गए माल को छुड़ाने के लिए व्यापारियों ने किया डीएम से मुलाकात। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत एआरटीओ द्वारा लगाया गया प्रशिक्षण शिविर। 6 विद्यालयों में चल रहे उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जुबली इंटर कॉलेज में भी बदस्तूर जारी रहा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए 2 दिनों तक चलने वाले मतदान की प्रक्रिया संपन्न, 298 सदस्यों के भाग मत पेटी में बंद। रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिरों में महिलाओं ने गाए गीत। मंडलायुक्त अनिल कुमार तथा जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने जनपदवासियों को रामनवमी पर बधाई दी और किया सुख शांति एवं समृद्धि की कामना। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में पूर्वोत्तर रेलवे और यूको बैंक सहारनपुर के बीच खेला गया मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य एकेडमी ने संस्कृति क्रिकेट एकेडमी को 86 रनों से हराया। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार,
दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार। वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐश्वर्या के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान सेल टैक्स द्वारा पकड़े गए व्यापारियों के माल को वापस दिलाने के लिए शनिवार को व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, जिस पर जिलाधिकारी ने व्यापारियों के बिल को देखते हुए वाणिज्य कर के अधिकारी से बात की और व्यापारियों के माल के कागजात दिखाने के बाद उन्हें वापस देने की बात कही। सर मसला ये है कि एक नंबर का माल आता है, दिल्ली से लोग माल मंगाते हैं, ओरिजिनल है सब, ओरिजिनल है। मुझे मैडम से बात कर लूं, कंपनी में समझ रहा हूँ ना इस पे यार, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने बताया। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है और अभी वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ओपी सिंह से इन्होंने वार्ता किया है। वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा है इस मामले में कितने लोगों के माल छोड़ दिए गए हैं। वाणिज्य कर के अधिकारी ने बताया है कि 419 जो है पेटी माल छोड़ दिया गया है, लेकिन 1826 में 419 पेटी माल को इन्होंने छोड़ दिया। आज सारे जो माल हैं रांग हैं राइट हैं, यदि सही है तो माल को छोड़ा जाए, ये विभाग के अधिकारियों को उन्होंने डीएम साहब ने निर्देश दिया है। शनिवार को पार्क रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास आरटीओ द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए एआरटीओ संदीप कुमार पंकज और पीटीओ शारदा मिश्र ने चालक और परिचालकों को गाड़ी चलाने हेतु दुर्घटना से बचने के लिए सावधानियों को बताया। इस मौके पर एआरटीओ संदीप कुमार जायसवाल, बस यूनियन के संजय जायसवाल, विनय कुमार मिश्र, श्रवण कुमार सिंह, मुंशी यादव, अशोक गुप्ता सहित अन्य वाहन स्वामी और चालक परिचालक मौजूद रहे। यातायात के नियमों से हम सब मालिक जब अपने चालक को ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, गलत ओवरटेकिंग भी करते हैं और उस पर हम मोबाइल पर बात भी करते हैं। गाड़ी चलाना, देखिए गाड़ी चलाना जो है ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, चाहे आप अकेले मोटरसाइकिल चला रहे हों, चाहे आप अकेले कार चला रहे हों, चाहे आपका चालक ट्रक चला रहा हो, बस चला रहा हो, टेम्पो चला रहा हो, डिलीवरी बॉय, कोई भी कमर्शियल गाड़ी चला रहा हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी चला रहा हो,
गाड़ी चलाते समय सारे लोग चालक ही हैं, सारे लोग चालक हैं, वहाँ कोई अधिकारी नहीं है, वहाँ कोई व्यापारी नहीं है, वहाँ कोई जज नहीं है, वहाँ कोई वकील नहीं है। जब आप स्टीयरिंग पर बैठे हैं तब आप सिर्फ और सिर्फ चालक की भूमिका में हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर ड्राइवर हैं। तो कहने का सेंस ये है कि गाड़ी चलाना एक आर्ट है, एक कला है, और इसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि रोड पर आप सिर्फ अकेले नहीं चल रहे होते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं, आपके साथ कई तरह के गाड़ी वाले चल रहे होते हैं। पर विचार करते हुए सरकार ने अपनी पॉलिसी को बदला कि दंड का नियम तो एक सीमा तक लागू होगा, चेक चालान के द्वारा, बंद के द्वारा या अन्य कार्यवाही करके तो हम नियमों को कुछ अंश तक लागू कर सकते हैं, लेकिन ये नियम तभी पूरे लागू हो सकते हैं जब तक कि जिन पर लागू होना है, चाहे वो वाहन स्वामी हो चाहे वो चालक हो, वो उसको अपने मन से स्वीकार कर ले। दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं कि जब गाड़ी एक वाहन स्वामी अपने चालक को देता है तो इस विश्वास से देता है कि जब तक गाड़ी की स्टीयरिंग पर आप हो, आप वाहन स्वामी के रूप में इस गाड़ी को संचालित कर रहे हो। अब यह इस चालक का दायित्व तो बनता है कि मोटर वाहन से संबंधित सारे नॉर्म्स को ध्यान में रख करके वाहन चलाए, स्टीयरिंग पर बैठने के पहले एक बार अपनी स्टीयरिंग देख ले, ब्रेक चेक कर ले, बैक लाइट चेक कर ले, हॉर्न चेक कर ले, अगर ठंड का टाइम है, फॉग का टाइम है तो जरूर देख ले कि रिफ्लेक्टर पीछे लगा हुआ है कि नहीं, उस पर धूल मिट्टी तो नहीं जमी हुई, उसको साफ कर ले। दूसरी चीज, पता लगा दो मोटर स्वामी ऐसे हैं कि अपने चालकों को उन्होंने गाड़ी दे दिया कि आप बस स्टेशन से जहां से भी गंतव्य पे आपको पैसेंजर को ले जाना है वहां से पैसेंजर को बढ़ें, भरें और दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जाएं। अब उनको नहीं पता है, दो चालकों ने आपस में कमेंटबाजी में होड़ शुरू कर लिया कि तुम आगे कि मैं आगे, है ना। अच्छा, एक दिन अगर एक आगे रहा, उसने कहा कि मैं तो 200 रुपये 400 रुपये ज़्यादा कमा लिया, अगले दिन उसने कहा चलो अब आज मैं दिखाता हूँ। तो क्या है सबसे बड़ी चीज, उस रूल्स को लागू अगर नहीं हो पा रही हो वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति जिम्मेदार है, गाड़ी जिम्मेदार नहीं है। गाड़ी में स्पीड इसलिए नहीं रखी गई है कि आप उसको ओवर स्पीडिंग करके दुर्घटना में परिवर्तित कर दें, न तो आपको आपस में कंपटीशन करना चाहिए। एकदम चालक को गाड़ी चलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके गाड़ी में अगर सपोज दैट एक गाड़ी में 40 पैसेंजर बैठे हैं, आपकी बस है 40 लोग बैठे हैं, तो 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा हो सकता है किसी बड़े अच्छे उत्सव में खुशी के माहौल में शरीक होने के लिए जा रहे हों, वो एक खुशी के उत्सव में जा रहे हैं और आपके हाथ में उनके उस खुशी में शरीक होने के पहुंचने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर के पास जा रहा हो और बीमारी से जनित हो, तो उसके लिए तो बड़ी मानवीय संवेदना है उसको समय से डॉक्टर के पास पहुंचा दे। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि किसी दुख या दुर्घटना की जगह पे जा रहा हो कि जहां उसे तत्काल पहुंचना है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण लोग आपकी गाड़ी पर एक भरोसा करके बैठते हैं। और हम गलतियां छोटी छोटी करते हैं, ओवर स्पीड कर लेंगे, आपस में कंपटीशन कर लेंगे, ओवरटेकिंग, डेंजरस ओवरटेकिंग करेंगे। हमने तो देखा है कि जो चालक ओवरटेकिंग बहुत डेंजरस करते हैं तो उनके ड्राइविंग में कोई गलती नहीं है, सोच में गलती है। ड्राइवर तो इतने एक्सपर्ट हैं कि मोबाइल पे बात भी करते रहेंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग भी घुमा लेंगे और गाड़ी पड़ा के निकाल भी लेंगे, लेकिन 100 बार आप निकालेंगे दुर्घटना के लिए एक बार पर्याप्त है, 100 बार आप बचेंगे एक बार आप फंसेंगे। शनिवार को गोरखपुर के 6 विद्यालयों में से एक जुबली इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन बदस्तूर जारी रहा। लगभग 50% कापियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। शिक्षकों के अभाव में मूल्यांकन कार्य में थोड़ा विलंब हो रहा है, जिसकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है। देख लीजिए,
बताते हैं, गोरखपुर न्यूज से बात करते हैं मूल्यांकन के प्रभारी श्रीनिवास तिवारी ने बताया। मूल्यांकन का कार्य लगभग समझिए कि 50% आज जच जाएगी और अंग्रेजी की कापी हमारे वहाँ अधिक है, परीक्षक कम है। अंग्रेजी की कापी जांचने के लिए परीक्षकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कल हो सकता है कि कुछ परीक्षक और आएं। आज जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना भी देंगे इसकी कि कापी अधिक है, परीक्षक संख्या कम है, कृपया व्यवस्था करें। तो सर ये क्या लगता है सर, कब तक पूरा होने को उम्मीद है अगर शिक्षक अगर बढ़ गए तो? बोर्ड द्वारा तो निर्धारित है कि मूल्यांकन की तिथि से जब चालू करते हैं वहाँ से 15 दिनों के अंदर मूल्यांकन कार्य समाप्त कराया जाए, लेकिन कभी कभी किसी विषय की जो कापियाँ अधिक हैं तो 2 दिन 1 दिन का समय अधिक लगता है। उम्मीद है हमारा भी कापी 2 तारीख के पहले जच जाएगी, 2 अप्रैल तक जाएगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए 2 दिनों तक चलने वाले मतदान के पहले दिन सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं में अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान सूची में 4551 मतदाता और पूरक सूची में 86 मतदाता हैं। 25 सदस्य पद के लिए 298 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें पहले दिन 1514 और दूसरे दिन बाकी बचे सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये देखिएगा कि ये कचरा सारे इधर को घूम जाइए, हम लोग भी आ जाए। विकलांग लोग कैसे गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पीठासीन अधिकारी और DGC क्रिमिनल यशपाल सिंह ने बताया। देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों के निर्वाचन हेतु चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में कुल 298 प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है, जिनमें प्रथम वरीयता का मत दे करके प्रथम द्वितीय तृतीय वरीयता के क्रम में मत दे करके आप 25 लोगों को अपना सदस्य चुनेंगे और उसी क्रम में ये चुनाव हो रहा है। और कल भी चुनाव जो है सही हुआ है, आज पुनः जो है उसी परिप्रेक्ष्य में मतदान चल रहा है। इन्हीं में से 25 प्रत्याशी जो है वो 25 सदस्य चुने जाएंगे, 298 प्रत्याशियों के बीच में से चुनाव जो है वो काफ़ी ढंग से संपन्न हो रहा है। मतदान कल जो है वो कुल 1514 मत पड़े थे और आज अभी दो बज रहे हैं, करीब करीब 1000 कुछ मत जो है, 1027 मत जो है वो पड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सुचारू रूप से ये मतदान चल रहा है। कितने सदस्य, कितने लोग वोट डालेंगे, कितने सदस्य मताधिकार का प्रयोग करेंगे? यहाँ हर जनपद के लोग डालेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो गोरखपुर की जो मतदाता सूची है वह मुख्य मतदाता सूची 4551 मतदाताओं की है और पूरक जो सूची है उसमें 86 मतदाता बनाने का गुजार हूँ कि वो इस चुनाव में हमें सहयोग दे रहे हैं और जो हमारे बिहार के अध्यक्ष मंत्री और हमारे बिहार के सम्मानित सदस्यगण हैं वो इस चुनाव में हमारा साथ दे रहे हैं, इस चुनाव को संपन्न कराने में। मैं उन सबका जो है वैसे आभारी हूँ, प्रशासन का भी आभारी हूँ और ये मैं भी चल रहा हूँ कि चुनाव जो है वो शाम तक सक्षम अच्छे से संपन्न हो।
शनिवार को रामनवमी की पूर्व संध्या पर श्री श्री प्राचीन काली मंदिर बख्शीपुर में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मोत्सव की तैयारी पर महिलाओं ने लोकगीत गाकर मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। गीत गाने वाली महिलाओं में रूना देवी, रिंकी, राजकुमारी, कुमकुम, रीना और अंजू मुख्य रूप से थी। कुमार तथा जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने जनपद वासियों को राम नवमी की बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। अपने संदेश में मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कहा कि भगवान राम के सिद्धांतों पर चलकर हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने अपने संदेश में कहा कि भगवान राम ने समाज के अत्यंत पिछड़े समुदाय को लेकर एक अत्याचारी के विरुद्ध युद्ध किया और विजय प्राप्त किया। हमें समाज के प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय के सम्मुख यह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। शनिवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर क्षेत्रीय खेल कार्यक्रम गोरखपुर द्वारा आयोजित राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के प्रथम चरण का एक मैच पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और यूको बैंक सहारनपुर के बीच खेला गया। 2-2 की बराबरी पर यह मैच रहा। इसी प्रतियोगिता के पूर्व के 2 मैचों में सीमा सुरक्षा बल महिला हॉकी की टीम ने बरेली मंडल को 22 के मुकाबले 0 और सीमा सुरक्षा बल महिला हॉकी की टीम ने गोरखपुर को 3 के मुकाबले 0 के अंतर से करारी शिकस्त दी। इस मौके पर प्रतियोगिता के निर्णायक एनपी गौड़, प्रशिक्षक हॉकी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम शालिनी विश्वकर्मा सहित अन्य खिलाड़ी और हॉकी प्रशिक्षक मौजूद रहे। ऊपर जोड़ो पंजाब।
शागिर्द। शाबाश शाबाश शिवानी, देखिए दोबारा यार शनिवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का प्री क्वार्टर फाइनल मैच संस्कृति क्रिकेट एकेडमी और लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी ने पूरे टीम ने 24 ओवरों में 144 बनाकर ऑल आउट हो गई। संस्कृति क्रिकेट टीम की तरफ से विपिन और सौरभ ने 4-4 विकेट लिए। लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी की तरफ से पंकज शुक्ला ने सर्वाधिक 34 रनों की पारी खेली। 145 रनों का पीछा करने उतरी संस्कृति क्रिकेट एकेडमी की पूरी टीम 23वें ओवर में ही 59 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अभिषेक और पंकज शुक्ला ने 3-3 विकेट लिए। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पे। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 190 सीटर बोइंग विमान के संचालन का शुभारंभ। प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता रहेंगे मौजूद। प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा गोरखपुर के राप्ती नदी में बनेगा वाटर एयरपोर्ट। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कलेक्ट्रेट के सभी अनुभाग का किया निरीक्षण, सिटी मजिस्ट्रेट वाद लिपिक व पेशकार के कार्यों की सराहना। निजीकरण के विरोध में चौथे दिन 6 संगठनों ने किया विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का समर्थन, प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा किसी भी बिजली कर्मचारी को ना ही हटाया जाएगा और ना ही निकाला जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य की मंडलायुक्त अनिल कुमार ने की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। दवा विक्रेता संघ में हुआ मतभेद, दो गुटों में बटे दवा व्यवसायी। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए चलाई जाने वाली दस्तक योजना के लिए मंडलायुक्त ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, योजनाओं को सफल बनाने के लिए दिए निर्देश। ग्रामीण आर्थिक विभाग में सहकारिता भूमिका विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। रेलवे स्टेशन से सेल टैक्स द्वारा पकड़े गए माल को छुड़ाने के लिए व्यापारियों ने किया डीएम से मुलाकात। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत एआरटीओ द्वारा लगाया गया प्रशिक्षण शिविर। 6 विद्यालयों में चल रहे उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जुबली इंटर कॉलेज में भी बदस्तूर जारी रहा।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए दो दिनों तक चलने वाले मतदान की प्रक्रिया संपन्न। 298 सदस्यों के भाग्य मत पेटी में बंद। रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिरों में महिलाओं ने गाए गीत। मंडलायुक्त अनिल कुमार तथा जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने जनपदवासियों को रामनवमी पर बधाई दी और किया सुख शांति एवं समृद्धि की कामना। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में पूर्वोत्तर रेलवे और यूको बैंक सहारनपुर के बीच खेला गया मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य एकेडमी ने संस्कृति क्रिकेट एकेडमी को 86 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।